Good morning, students. Welcome to Gyanjyoti online classes. I am Biswal, your class teacher. Now we start our English chapter number 3. Last name, Dara, Pesa pronounce, AP ka pronunciation, Kora. Here,
स्टूडेंट्स देखो अपना इंग्लिश बुक का पेज नंबर 9 देखो देखो साउंड ए क्या है ये साउंड ए यहाँ पे क्या है ए एन का प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पे देखो ए एन का प्रोनाउंस है सी ए एन यहाँ पे ए एन का प्रोनाउंस हो रहा है ये क्या है ए सी ए एन क्या है सी ए एन यहाँ पे ए एन का प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पे देखो पी ए एन पेन क्या है पी ए एन पेन तो यहाँ पे ए एन का प्रोनाउंस हो रहा है एम ए एन यहाँ पे भी आपका ए एन का प्रोनाउंस हो रहा है ए का प्रोनाउंस हो रहा है बी ए डी तो बच्चों यहाँ पे आपका ए डी का प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पे आपका डी ए डी डी ए डी क्या है डेड एल ए डी लेड यहाँ पे ए डी का प्रोनाउंस हो रहा है हुआ लास्ट में देखो एम ए टी मैट यहाँ पे ए टी का प्रोनाउंस हो रहा है एफ ए टी यहाँ पे एच ए टी एच ए टी तो बच्चों नीचे देखो यहाँ पे ए एन का प्रोनाउंस कैसे हो रहा है सी ए एन कैन एफ ए एन हैन एम ए एन मैन पी ए एन पेन आर ए एन रेन भी ए एन वैन यहाँ पे ए टी का प्रोनाउंस कैसे हो रहा है देखो बी ए टी बैड एफ ए टी हैड एम ए टी मैड पी ए टी बैड आर ए टी रेड एफ ए टी सैड फिर देखो ए पी का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है सी ए पी कैट जी ए पी कैट एम ए पी मैट एम ए पी नैट आर ए पी रेड डी ए पी टेक फिर लास्ट में देखो ए आर का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है सी ए आर कार एफ ए आर फार जे ए आर जार पी ए आर पर टी ए आर टर डब्ल्यू ए आर वर तो बच्चों आज हमने क्या पढ़े साउंड ए क्या साउंड ए जितना भी वर्ड हम लोग लिखे हैं वहाँ पे ए का साउंड आ रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है आपके इंग्लिश कॉपी में इसको लिखना है चैप्टर नंबर 3 फोनिक साउंड ए बोल के ऐसे आपका हेडिंग लिखना है और नीचे में इसको लिखना है हुआ देखो बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 10 क्या करेंगे पेज नंबर 10 करेंगे यहाँ पे देखो सी द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लॉक्स विद मिसिंग वाउवल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वाउवल यानी ए ई आई ओ यू वो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे कौन सा वाउवल होगा उसको लिखेंगे हुआ देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है यहाँ पे पिक्चर है उसको हम लोग देख के यहाँ पे फिलअप करेंगे देखो ए डैश बी एल डैश क्या होगा यहाँ पे ए यहाँ पे क्या होगा आपका ए ए ब्लैक यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक ब्लैक रेड है और यहाँ पे व्हाइट क्या है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक रेड है और व्हाइट रेड भी एक तो है क्या है ब्लैक रेड और व्हाइट रेड है ये पिक्चर को देख के हम लोग क्या करेंगे इसका जो ब्लैंक्स दिया गया है उसको हम लोग भावल के साथ फिलअप करेंगे हुआ देखो ए डी एल डैस यहाँ पे क्या होगा ए ए होने से ये क्या होगा आपका ब्लैक ए ब्लैक यहाँ पे क्या है रेड रेड का स्पेलिंग क्या है आर ए टी तो बच्चों यहाँ पे होगा आपका ए हुआ आर ए टी रेड इज रनिंग आफ्टर ए वाई आर डैश टी
तो यहाँ पे बच्चों एक व्हाइट रेड है और एक ब्लैक रेड है, तो यहाँ पे क्या होगा आर ए टी रेड, यहाँ पे ए ब्लैक में आपका ए होगा। द व्हाइट आर डैश टी, यहाँ पे ए होगा आर ए टी रेड इज क्या है एफ डैश टी, तो यहाँ पे क्या होगा ए, तो यहाँ पे हो गया फेयर, क्या होगा द व्हाइट रेड इज फेयर, इट इज वेरिंग ए एच ए टी हैट, व्हाट द ब्लैक बी एल ए ब्लैक आर ए टी रेड जंप्स इन टू ए वैन वी एन ए एम डैश एन, ए मैन इज ड्राइविंग द वैन वी डैश, डैश की जगह में क्या होगा ए, ए फैट मैन एच ए टी मैन इज वेटिंग फॉर द वैन। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक रेड है और एक व्हाइट रेड है और यहाँ पे एक वैन है और यहाँ पे फैट मैन है और इसको हम लोग देख के ये ब्लैंक्स को फिलअप करेंगे, तो आपके सारे ब्लैंक्स में क्या हो गया बच्चों ए होगा, क्या होगा ए होगा, क्या होगा ये जितना भी आपका ब्लैंक्स है वहाँ पे आप लोग ए लिखोगे और उसको फिर पढ़ोगे, तो क्या होगा देखो ए ब्लैक रेड इज रनिंग आफ्टर ए व्हाइट रेड, द व्हाइट रेड इज फैट इट इज वेयरिंग ए हैट, द ब्लैक रेड जंप्स इनटू ए वैन, ए मैन इज ड्राइविंग द वैन, ए फैट मैन इज वेटिंग फॉर द वैन। तो बच्चों ये सारे ब्लैंक्स में क्या हो गया आपका, आपका कौन सा भाव वाली यूज हुआ है ए, कौन सा भाव वाली यूज हुआ ए, तो आप लोग ये जितना भी ब्लैंक्स है पेज नंबर 10 में ये स्टोरी में आपका जितना भी ब्लैंक्स है आप लोग क्या करोगे वहाँ पे ए लिखोगे। हुआ देखो उसके नंबर बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस, द गर्ल हैज ए डैश, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है तो द गर्ल हैज ए डैश क्या है कैप, ये क्या की है कैप, द गर्ल हैज ए कैप, यहाँ पे क्या लिखोगे कैप सी ए पी कैप। नंबर टू, द मैन हैज ए डॉग कैप, क्या है द मैन हैज ए कैप, द बॉय हैज ए डैश, द बॉय हैज ए बॉल। नंबर फोर, आई हैव ए डैश आई हैव ए बैग, तो बच्चों देखो नंबर वन में द गर्ल हैज ए कैप कैप होगा, द मैन हैज ए कैप, नंबर थ्री में द बॉय हैज ए बॉल, नंबर फोर में द आई हैव ए डैश आई हैव ए बैग। तो बच्चों आपके लिए वहां क्या है पेज नंबर 10, क्या है बच्चों पेज नंबर 10 किसमें करना है इसको बुक में करना है, तो आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है साउंड ऑफ ए। हुआ बच्चों तो बच्चों समझ में आ गया आपका होमवर्क क्या है इंग्लिश बुक का पेज नंबर 10 है आपका होमवर्क, किसमें करना है बुक में करना है। ओके थैंक यू।